फर्स्ट मैच में खेले थे उससे ऊपर आ जाए एक साथ, तो पहला मैच खेले थे केवल, पहला मैच खेलने वाले आ जाओ भाई, केवल पहला मैच खेले वाले उनको दिया गया। किसान पब्लिक इंटर कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें सफल प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर उनका हौसला बढ़ाया गया, जिसमें जूनियर वर्ग बालक में 100 मीटर दौड़ में मोहम्मद अरबाज प्रथम रहे और 400 मीटर दौड़ में फैजान प्रथम रहे। लंबी कूद में मोहम्मद समीर प्रथम रहे और चक्का फेंक में मोहम्मद अरबाज। जूनियर वर्ग बालिका में 100 मीटर दौड़ में प्रथम रही उल्टी रेस में कुमारी नीलम प्रथम रही, फ्रॉक जंपिंग रेस में सैयदा प्रथम रही और लंबी कूद में कुमारी आयत प्रथम रही और खो खो में रानी लक्ष्मीबाई टीम विजेता बनी और कबड्डी में नेहरू टीम विजेता बनी। सीनियर वर्ग में 100 मीटर दौड़ में अरबाज खान प्रथम रहे, 400 मीटर दौड़ में मोहम्मद शमी प्रथम रहे, लंबी कूद में गुलाब रव्वानी कक्षा 10 प्रथम रहे, चक्का फेंक में गुलाब जिलानी प्रथम और सीनियर वर्ग बालिका में 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में सोनम प्रथम रही, 400 मीटर दौड़ में मुस्कान पाशा प्रथम रही, लंबी कूद में नेहा रही। सभी खिलाड़ियों को शील्ड ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिए गए। क्रिकेट में मुंबई इंडियंस के विजेता कप्तान गुलाम नबी को केपीएल की चैंपियंस ट्रॉफी, उपविजेता कप्तान मोहम्मद असद को उपविजेता ट्रॉफी दी गई। मोहम्मद असद को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। शनावाज अफाकी को बेस्ट विकेटकीपर, साजिद रजा को बेस्ट फील्डर, सकलेन को बेस्ट बल्लेबाज, मोहम्मद जुनेद को बेस्ट बॉलर, अली हुसैन बेस्ट ऑलराउंडर की ट्रॉफी, शील्ड एवं प्रमाण पत्र दिया गया। इस मौके पर आईटीएम ग्रुप के चेयरमैन हाजी शरीफुद्दीन पाशा ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की, खेलों में अच्छे प्रदर्शन के लिए उनका उत्साहवर्धन किया और नगद पुरस्कार भी भेंट किया। सुंदरकी के वार्षिक खेलों का पुरस्कार वितरण समारोह था आज। साल में एक बार आयोजित होने वाले खेल जिसमें सभी प्रकार के खेलों को सम्मिलित किया जाता है, कबड्डी है, खो खो है, शतरंज है, बैडमिंटन है, ऊंची कूद, लंबी कूद, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, भाला, चक्का और तमाम खेल, क्रिकेट, इन खेलों का आयोजन होता है गर्ल्स और बॉयज़ अलग अलग वर्गों में, सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग में। उन खेलों में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। कितने छात्र छात्र 68 छात्र जो है 68 छात्र क्रिकेट में थे और इसके अलावा तकरीबन 100 छात्र और थे, लगभग 150 से 160 छात्र इन खेलों में प्रतिभाग किया है और उन सभी को सम्मानित किया गया है उपहार देकर, नकद पुरस्कार देकर, सील देकर, प्रमाण पत्र देकर। इससे ये है कि ये ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी और ग्रामीण संयुक्त रूप का क्षेत्र है। यहाँ पर जो खेल की प्रतिभाएँ हैं, जो बच्चों में प्रतिभाएँ छुपी हैं तरह तरह की, उनको निखारना है, उनको सही मंच प्रदान करना है जिससे कि वो आगे जाकर बड़े मंचों पर अपनी प्रतिभाओं को दिखाएं और देश के और प्रदेश का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और स्कूल का भी नाम रोशन होगा इससे। ये सारे खिलाड़ी आने वाला भविष्य है भारत के लिए, देश के लिए, खेलने के लिए निखर रहे हैं। इनकी इन प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से हम ये खेलों का आयोजन करते हैं। इस मौके पर कॉलेज संचालक आरिफ पाशा, एडवोकेट प्रधानाचार्य मुताहिर अली खान, पीटीआई अंबर रजा, सरफराज अली, जगदीश राजन, तनवीर हैदर, जमशेद अली, खुशहाल जहरा, अनीता कश्यप, बुशरा खानम, गुलनाज परवीन, फराह खान, शहरीन खान, एजाज मुस्तफ़ा, इत्तखाब आलम समेत बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं मौजूद रहीं।